तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब आ चुके एक और नए वीडियो के साथ जो कि सोलो वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंग डेल्टा पे उतर रहा था, और जब मैं यहाँ पे उतरा तब यहाँ पे कोई कोई भी नहीं आया था। तो सबसे पहले यहाँ पे लूट वगैरह करके मैं निकल लेता हूँ आगे। और जैसे मैं यहाँ पे आया, मुझे स्टेडियम के साइड से गन शॉट्स का साउंड आया। अब यहाँ पे रुक के देखते, एक बंदे ने दूसरे बंदे को यहाँ पे फिनिश कर दिया, और इस बंदे को मैं यहाँ पे नॉक कर देता हूँ। और जैसे मैंने इसको नॉक किया, तुरंत यहाँ पे मैंने इसको फिनिश कर दिया। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि AKM के साथ रेड डॉट कभी भी मत चलाना, और सप्रेसर तो गलती से भी मत चलाना, बहुत घटिया है। अब जैसे मैं यहाँ से गाड़ी लेके निकला, मुझे राइट में बंदा स्पॉट हुआ, और जैसे मैंने यहाँ पे गाड़ी लगाई तो वो उस बंदे ने फायर भी कर दिया। अब मुझे पता नहीं था, मेरी UMP 45 पे यहाँ पे स्कोप नहीं लगा है, लेकिन मैंने ऐसे ही फायर कर दिया। तो वो बंदे को डैमेज काफ़ी हुआ। वो बंदा मेरी तरफ रश करने के लिए आता है, जिसको मैं AKM से नॉक नॉक कर देता हूँ यहाँ पे। और फिर से वही बोलूँगा, कभी भी AKM पे, एक तो होलो चलाओ आप, बहुत सही है, और विदाउट सप्रेसर कॉम्पेंसेटर के साथ चलाओ। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। जैसे मैं इसको फिनिश करके इस साइड पे आया, इसका बंदा जो है वो अचानक से मेरे साइड पे आया, और जैसे मैं इसको मारने के लिए उतरा, ये बंदा थोड़ा सा डर गया। और पता नहीं क्यों मेरा कैरेक्टर अटक अटक के चल रहा था, मुझे बहुत इरिटेशन हो रही थी इस बात की। सबसे पहले इसको नॉक करके यहाँ पे फिनिश कर दिया, और इसको थोड़ा बहुत लूटने के बाद मैं अंदर जाके छुप जाता हूँ, क्योंकि बाहर रेड जोन था। और पता नहीं रेड जोन की और मेरी क्या ही दुश्मनी है, मेरी नहीं आप में से कई लोगों की होगी। अब जैसे मैं यहाँ पे रुका था, ये बग्गी का साउंड मुझे आया, तो मैं समझ गया यहाँ पे बंदा है। लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था वो बंदा कहाँ पे, यहाँ पे बाहर रुका है या फिर अंदर स्विमिंग पूल वाले बिल्डिंग में गया। तो चेक करने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मुझे यहाँ से भी वो बंदा नहीं दिखता है, पता नहीं कहाँ पे छुप के बैठा था। लेकिन जैसे मैं इस साइड पे आया, वो बंदा मुझ पे फायर कर देता है, और बहुत फायर करता है। अब यहाँ पे पबजी के नशे देखना, अरे भाई क्या है, मतलब क्यों, मैं ठीक ठाक आराम से उतर रहा था मैं उस गाड़ी से, लेकिन नहीं। अब वो बंदा भी मुझ पे फायर नहीं कर रहा था, तो सबसे पहले मैं फायर करके उसको बता देता हूँ कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, आ जा मेरे से फाइट ले ले। अब देखना ये बंदा आता है, अब इसको आराम से नॉक कर दिया यहाँ पे। और मेरा बंदा इतना अटक अटक के चल रहा था, यह स्क्रीन कैमरा एंगल जो है वो अटक रहा था मेरे बंदे का, कैरेक्टर का जो फ्री लुक होता है वो अटक रहा था यहाँ पे, जो कि मुझे बहुत इरिटेशन दे रहा था। सबसे पहले अभी हील वगैरह करके, गन रिलोड करके गाड़ी में बैठ के मैं आता हूँ इस जगह पे, जहाँ पे एक बंदा किसी और के साथ फाइट कर रहा था। अब जब मैं घर में घुसा तो मुझे 2 फुटस्टेप आए, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे ऊपर गया तो एक ही बंदा था, और जिसका मेरे पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। इसलिए बोलता हूँ भाई साहब, हेडफोन लगा के खेलो यार, हेडफोन लगा के खेल लो। मैं ऊपर आता हूँ, फिर भी इस बंदे का ध्यान मेरे पे नहीं था, तभी नीचे से 2 फुटस्टेप और एक गाड़ी का जो है मिनी मैप में दिखता है। मैं इनसे फाइट नहीं की, क्योंकि एक तो जोन था, और जोन में मुझे बिल्कुल फाइट नहीं करनी थी। मैंने सोचा सबसे पहले यहाँ से गाड़ी उठा के निकल लेते हैं, लेकिन जैसे मैं मेरी गाड़ी देखने के लिए गया, तो मेरी गाड़ी कोई और उठा के लेके गया था। जब थर्ड हिल से आया तो साइड से और एक बार फायरिंग होती है, और मैं थर्ड हिल से आ रहा था तो वहाँ पर ड्रॉप देखा था मैंने। अब देखना, इस बंदे को नॉक कर दिया, और जैसे मैं इसके दूसरे बंदे को देखने के लिए गया, वो बंदा मुझ पर फायर करके बता देता है। अब यहाँ पे UMP 45 का पता नहीं एमो ड्रॉप हो रहा था या क्या, इस बंदे को अच्छी तरह से मार रहा था, लेकिन इसको लग ही नहीं रहा था। इसको सबसे पहले यहाँ पे नॉक कर दिया, और मुझे डर था इसके बंदे आसपास हो सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा छुप छुप के इन बंदों को मार रहा था। आप देख सकते हो यहाँ पे UMP का जो एमो है वो लग ही नहीं रहा था इनमें से। लेकिन फाइनली जब मुझे पता चला इसका कोई भी बंदा यहाँ पे नहीं है, तो सबसे पहले इसको फिनिश कर दिया, और आते इस जगह पे जहाँ पे ये बंदा जो है वो थर्ड हिल पे बंदे थे उनके साथ फाइट कर रहा था। अब यहाँ पे एक ही फुटस्टेप आया तो मैं समझ गया एक ही बंदा है यहाँ पे। सबसे पहले ऊपर चलता है, और मुझे पता था वो बंदा यहाँ पे TPP ज़रूर लेके बैठा होगा, तो इसके समझने से पहले मैं यहाँ पे आगे पहुँच को जो है पीछे से नॉक और फिनिश कर देता। और जब मैं यहाँ पे लेटा था, लूट रहा था इसको, तब कार 98 चली, और थर्ड हिल में भी फाइट हो रही थी, तो सामने वाले घर में जाके मैं बैठ जाता हूँ। अब यहाँ पे आता हूँ तो और 2 फुटस्टेप मुझे आते हैं यहाँ से, और जब मैं बंदा ढूंढने के लिए निकल गया, ये भाई साहब यहाँ से निकलते हैं।
जिसको मैं आराम से फिनिश कर देता हूँ, नॉक करके फिनिश कर दिया। अब पता नहीं दूसरा बंदा कहाँ पे गया, आए तो 2 फुटस्टेप थे मुझे, लेकिन पता नहीं दूसरा बंदा कहाँ पे गायब हो गया। ये अकेले बंदे ने मुझ पे रश कर दिया यहाँ पे, और जब मैं हील वगैरह करके थोड़ी सी आजू बाजू में, क्योंकि सामने फाइट हो रही थी तो कोई भी बंदा कभी भी मेरे पे रश कर सकता था, तो सबसे पहले यहाँ पे हील वगैरह करके मैं इस घर के टॉप बिल्डिंग पे आके बैठ जाता हूँ। अब सामने भी बंदे थे, उन पे भी ध्यान रखना था, क्योंकि ऊपर से अगर पड़ती तो बहुत मुश्किल हो जाती, और इस बंदे का मेरे पर ध्यान ही नहीं था जिसको मैं आराम से नॉक करता हूँ। और जब ये बंदा रश कर रहा था, फिर एक बार मुझे 2 फुटस्टेप आए, लेकिन ये अकेले बंदे ने मेरे पर रश कर दिया जिसको मैंने आराम से फिनिश कर दिया। पीछे तभी फाइट हो रही थी, लेकिन मुझे फ़ाइट लेना नहीं था जोन में, क्योंकि लास्ट सर्कल था और इसमें बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। सबसे पहले गाड़ी उठा के आते इस, अब देखना यहाँ पे बहुत ही गलत सीन मेरे साथ होता है। अब मुझे पहले दोनों, मेरे अलावा यहाँ पे 2 बंदे बचे थे जिनकी लोकेशन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं थी, लेकिन जैसे यहाँ पे मुझे एक बंदा स्पॉट होता है, अब एक बंदा मुझे यहाँ पे स्पॉट हुआ आगे, जैसे मैं गाड़ी चढ़ाने के लिए गया, भाई साहब RPG लेके बैठा था, और मेरी वजह से, गाड़ी की वजह से वो भी यहाँ पे फिनिश हो गया। अब बात करते पॉपुलैरिटी की, तो टॉप 5 फ्रेंड्स मेंबर जो भी है मेरे पॉपुलैरिटी भेजने वाले मुझे, उनका नाम है, 1 नंबर पे है रॉजर्स रूल्स, 2nd नंबर पे नाइट वॉल्फ, 3rd नंबर KS, पता नहीं इसका अकाउंट कैसे बैन हो गया, 4 नंबर पे मिसेस क्वीन टी, और 5 नंबर पे जे वाईफाई। तो थैंक यू वेरी मच यार, आपने इतना सपोर्ट और प्यार दिखाया है मुझे पॉपुलैरिटी, आपकी छोटी सी पॉपुलैरिटी भी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो मेक श्योर पॉपुलैरिटी भेजो और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल कर देना। मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।